नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की पीलीभीत पहेड़ी लोकसभा सीट से उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार के समर्थन में एक रैली को संबोधित करने पूरनपुर पहुंचे और जनता से 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर सभी लोग साइकिल का बटन दबाकर भगवत शरण गंगवार को भारी मतों से जिताने की अपील की है। अखिलेश के भाषण सुनने को उमड़ा धनसला भीषण गर्मी में भी पंडाल में लोगों ने कुर्सियां छोड़कर अखिलेश को सुना है। जनसभा के दौरान सभा मुखिया ने किसानों को साधा और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि लखीमपुर में थार से आंदोलन रोका गया है, किसानों को दबाने वालों का सम्मान किया गया है। इसके साथ ही वरुण गांधी को लेकर बिना नाम लिए कहा कि जिसने किसानों का साथ दिया उसका टिकट काट दिया। भाजपा प्रत्याशी जितिन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जितिन प्रसाद कई दल घूम कर आए हैं। जितिन प्रसाद ने सड़क मंत्री बनने पर घोटाला किया है, साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग में भी खेल किया। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 40,000 करोड़ रुपए गड्ढा मुक्ति में खर्च किया, लेकिन आज भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा है कि 2014 से पहले और अब कई गुना महंगाई बढ़ गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वसूली की है और ईडी सीबीआई से डराकर यह वसूली की गई है, और जब उद्योगपतियों से वसूली हो रही है जिस कारण उद्योगपति चीजें महंगी कर रहे जिससे देश में महंगाई बढ़ रही। इनके जिले का है, सच्चाई ये है कि सभी गुंडे माफिया और जो आर्थिक अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी में जाते संत बन जाते हैं। और महाराष्ट्र की पूरी सरकार ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ने बनवाई है। केजरीवाल जी जेल में है, क्या कहना है इसको लेकर? इसमें पुलिस इंस्पेक्टर को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इतना मारा, लातों से मारा, बताओ आपने वीडियो देखा होगा। प्रधान सांसद देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र में और सबसे महत्वपूर्ण चौराहे पर अगर बीजेपी का कार्यकर्ता नेता है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर को किक करता है, उसकी पिटाई करता है और बीजेपी के मुख्यमंत्री खुद बचाते हो तो सोचिए कैसे न्याय दे पाएगी पुलिस। बताओ जो इंस्पेक्टर पीटा गया है सब इंस्पेक्टर, उससे इस पुलिस का मनोबल गिरा कि नहीं गिरा? और जब ये पुलिस वाले आज रात में जाकर के सोचेंगे कि जब फौज की नौकरी 4 साल की हो सकती है, अगर इनकी 3 साल की नौकरी हो गई तो ये क्या करेंगे? ये घर जाकर गांव जाके खेती करेंगे क्या? बरेली का बड़ा